एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कटिंग वीडियो। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझा पाऊँ कि आपको समझ आ जाए, लेकिन कोशिश मैंने पूरी करी है। अगर ना समझ आए तो कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अगर आप लोगों को कुछ समझना है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं होगा तो मैं दोबारा आपको इस सलवार की कटिंग बता दूंगी। बाकी मैंने मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करना नहीं आता है, मैं खुद कर लेती हूँ लेकिन मैं दूसरों को सिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और आगे मैं इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों को पसंद आ जाए, बस मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, बस आपको समझ आ जाए। और तो सलवार कटिंग के लिए पहले तो लेंगे हम मेज़रमेंट, मतलब कि नाप, और ये है हमारा 2.25 मीटर कपड़ा। तो मेज़रमेंट हमारा है 34 इसकी लंबाई है, 42 इसकी हिप है, और जो बॉटम मतलब पहुँचे होते हैं वो है 12। तो ये है 2.25 मीटर कपड़ा। वैसे तो कपड़ा कम है, 2.5 मीटर में सलवार अच्छी बनती है, बट मैं आपको आज इस तरीके से सलवार की कटिंग बताऊंगी कि आपकी 2.25 मीटर कपड़े में भी काफ़ी अच्छी सलवार बन जाएगी, इस तरीके से आपकी 2 मीटर में भी अच्छी सलवार बन जाएगी। तो ये मैंने, आपने देखा मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है, मैंने इस कपड़े को पूरा फ़ोल्ड नहीं किया है, मैंने इस कपड़े को आधा फ़ोल्ड किया है, तो आप लोग ध्यान से देखना। तो मैं इस कपड़े को सिर्फ इतना फ़ोल्ड करूँगी, मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर रखा है, तो मैं इसको 15 इंच तक फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि जो हमारे पहुँचे हैं वो हैं 12 इंच के, तो हम उसमें 3 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि पहुँचे हमारे 12 इंच के हैं तो एक दो इंच तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो यहाँ मैं इस कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा ले रही थी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, तो मैं क्यों हम कपड़े को वेस्ट करें, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर लिया कपड़ा, और मैं यहाँ पूरा 15 ही लूँगी। और 15 लेने के बाद मैंने कपड़े को ले लिया है, तो ये हमारा 15 कपड़ा हो चुका है, 15 इंच हो गया है मेरा कपड़ा। और अब मैं लूँगी इसकी ऊपर से लेंथ, मैं इसको उधर से भी देख रही थी कि 15 इंच ही है, कहीं इधर ज़्यादा उधर कम तो नहीं है, तो मैं अब इसकी लूँगी लेंथ मतलब लंबाई। तो लंबाई है हमारी 34, तो अब मैं 8 इंच ऊपर निकाल दूंगी, क्योंकि जो हमारी बेल्ट होती है वो 9 इंच की कटती है और 8 इंच की रेडी होती है। तो ये है हमारी 34 लेंथ, बट हम 34 में 4 प्लस करेंगे, आप 3 प्लस भी कर सकते हैं, कोई 4 प्लस भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है कि आप कितना प्लस करेंगे। तो मैं करूँगी 4 प्लस, क्योंकि आधा इंच 1 इंच ऊपर जॉइंट में चला जाएगा, और मैं पहुँचे थोड़े से चौड़े बनाऊँगी। तो कुछ लोग पहुँचे अलग से लगाते हैं, बट मैं जब पार्ट्स काटती हूँ तो मैं पार्ट्स में ही एक्स्ट्रा ले लेती हूँ कपड़ा, और मैं इन्हीं में ही पहुँचे लगा देती हूँ। तो यहाँ अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे निकल गए हैं पार्ट्स, और जो हमारा ये कपड़ा बचेगा इससे हम निकाल लेंगे, इसे हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। तो ये मैं अपने पार्ट्स काट ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर समझ ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। तो ये हमारे पार्ट्स हैं, बाकी तो मैं इन्हें बाद में काटती, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अभी काट दिया। तो ये हमारे दोनों पैरों के पार्ट्स निकल चुके हैं, और अब हम इनको दोनों को कट कर लेंगे बीच में से, और ये दो पार्ट्स हो गए। अब हम निकालेंगे कलियाँ, जो एक पार्ट्स होता है और दो कलियाँ होती हैं। तो अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा थोड़ा कम था, बट हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि सलवार काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो इसको डबल फोल्ड कर लिया मैं, इसको बराबर तरीके से फोल्ड करके फिर इसको ज़मीन पे बिछा लूँगी। और इसको मैंने थोड़ा सा, हम इसको सही तरीके से बिछाएंगे ताकि हमारी कटिंग अच्छी होगी, तो हमारी स्टिचिंग अच्छी होगी, तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो मैं यहाँ कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा ले रही थी। उसके बाद मैं लूँगी
8.5 आसन, तो आप लोग 8 आसन भी रख सकते हैं। कोई कोई 8 रखता है, बट मैं 8.5 रखूँगी। अब मैं फिर से लेंथ लूँगी, तो हमारी जो सलवार की लंबाई थी वो 34 थी, और मैंने जो पार्ट्स निकाले थे उसमें 4 प्लस किया था, बट मैं यहाँ पे 3 प्लस ही करूँगी, क्योंकि जब हमारे सलवार में पहुँचे रेडी हो जाएंगे तो ये जो हम इसकी फुल लेंथ लेंगे तो ये इसके कान से निकल जाते हैं, जो कि फिर हमें आगे दिक्कत हो जाती है। और अब मैं इस जो हमने नीचे लंबाई ली थी वो और आसन के निशान को मिला दूंगी, तो मैंने इसको मिला दिया। अब मैं इसको कर लूँगी कट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो मैं निशान को थोड़ा सा डार्क लगा रही थी ताकि आपको समझ आ जाए। बन साइड से हमने 8.5 आसन लिया, उसके बाद हमने अपनी पूरी लेंथ ली है। मैंने 8 ऊपर इंची टेप को 8 इंच ऊपर निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने अपनी हमारी 34 सलवार की लेंथ थी, और हमने पार्ट्स में 4 प्लस किए थे, बट हम इसमें 3 प्लस करेंगे, तो अब हम इसको कट कर लेंगे। हमारी कटिंग अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग भी अच्छी होगी, तो हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ ये मैंने कट कर लिया है, और अब मैं इसी कोर जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है मैं इसी को इस पे रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी अगर हम उस तरीके से निकालते हैं तो हमारे पार्ट्स थोड़े छोटे बड़े हो जाते हैं, बट हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे पार्ट्स इक्वल निकलेंगे। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी, तो ये हमारे दोनों पैरों के पार्ट्स निकल चुके हैं, ये हमारी 4 कलियाँ निकल चुकी हैं, और वो हमारे 2 पार्ट्स निकल चुके हैं। अब ये जो बन साइड है इसको हम कट करके ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक बन साइड है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई 4 कलियाँ, बहुत ही आसान है, और ये हमने कट कर लिया। अब हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए जो हमारा पार्ट्स में से कपड़ा बचा था, जो हमने 2 पार्ट्स निकाले थे, तो उस कपड़े को हम यूज़ करेंगे, और जो हमारा कलियों में से कपड़ा बचा है उसको यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा पार्ट्स वाला कपड़ा, तो हम इसमें लेंगे 9 इंच की बेल्ट निकालेंगे हम, बट वो हमारी रेडी 8 आती है, तो मैं 9 इंच की बेल्ट निकाल लूँगी। पर ये इतनी बेल्ट हमारी काफ़ी नहीं होगी, क्योंकि हमारी हिप 42 है, तो कुछ लोग हिप में 10 प्लस करते हैं, बट मैं 6 ही प्लस करती हूँ, 6 या 7 प्लस करती हूँ, तो मैं इसमें 6-7 प्लस कर दूँगी। लेकिन हमारे पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो जो हमारा बचा हुआ है कपड़ा है तो हम उसको ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ ये मेरी मैंने ये बेल्ट काट ली है, बट ये हमारी पूरी बेल्ट नहीं होगी। तो अब मैं इसमें करूँगी जो हमारा कलियों में से कपड़ा बचा हुआ था वो। तो ये हमारी 30 इंच की बेल्ट निकल चुकी है, ये हमारी 30 इंच की बेल्ट निकल चुकी है, बट हमारी ये बेल्ट पूरी नहीं है, तो जो हमारा कलियों में से कपड़ा बचा हुआ था हम उसको यूज़ करेंगे। तो आप सोच लीजिए, हमारी जो हिप है वो 42 है, तो हमें उसमें 6 प्लस करना है, या आप 7 प्लस कर लीजिए, तो हमें कितनी और कटिंग करनी है। तो मैं ये वेस्ट कपड़ा निकाल दूँगी, और हमारी 30 इंच की तो निकल चुकी है, तो अब हमें 18 इंच की बेल्ट कपड़ा और काटना है। तो ये जो कपड़ा है इसमें से मैं ये पार्ट्स निकाल लूँगी, और तो यहाँ हमारे ये आगे की साइड, तो हम बेल्ट में कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा कम है, बट ये है तो लेकिन टुकड़ों में है, हमें टुकड़ों में बेल्ट बनाने पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी सलवार एक जैसी ही बनेगी। तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी कटिंग बताऊंगी, स्टिचिंग बताऊंगी, और ये हमारी बेल्ट भी निकल चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।